हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूर्य क्वार्टर प्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले से और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो कन्फ्यूज़न में हैं। उनके पास हालांकि और ऑप्शन भी हैं लेकिन वो कन्फ्यूज्ड हैं, परेशानी में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि किस तरह से डिटैच ना रहते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं इसका कि किस तरह से इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते में जाएंगे तो हो सकता है वो उनके लिए एक माया जाल हो, भ्रम जाल हो, वो भी उन्हें परेशानी में, दुविधा में डाल सकता है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते में वापस आने के बारे में उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, एंजाइटी, प्यार है, प्रेम है, इमोशंस हैं। भले ही जाहिर ना कर पा रहे हैं, भले ही एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। इसके लिए वो अपना मन बना रहे हैं और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। तो टॉरस इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया गया है। आप क्योंकि कहीं ना कहीं इस ये बहुत सारा पेंटिकल्स के कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर इसमें वाद विवाद रहा है। तो अभी आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या फिर जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। तो अभी आप सोच रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जाने से पहले आपको सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे और सिंगल रहते हुए आगे पैसे, प्रॉपर्टी के लिए काम करेंगे, तो कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट नहीं आएगी और रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये चीज़ें आपके लिए रंग लाएंगी, घर बसाने में आपकी मदद करेंगी। तो इसलिए आप अपने एनर्जी डालना चाहते हैं, आप सिंगल रहते हुए पहले अपने ऊपर फोकस करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पैसा और प्रॉपर्टी भी चाहते हैं, उस पर भी वर्कआउट करना चाहते हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब करने के लिए अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो ख़त्म हो जाए और इस रिश्ते में बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेमत, फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में फिर से वापस आ जाए। तो अभी आप पैसा और प्रॉपर्टी पर काम करना चाहते हैं ताकि धीरे धीरे करके अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ने में, स्टेबल होने में आपको मदद मिल सके। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं।
टेन ऑफ वांड्स द वर्ल्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि बिना इमोशंस में बहे अगर आप एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं, यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ अच्छी अपॉर्चुनिटी अच्छा मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके वही बिगनिंग वही शुरुआत आपके लिए आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। आपके कार्ड्स आए हैं टेन ऑफ वांड्स द वर्ल्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है एक इमैच्योर एनर्जी के साथ, एनर्जी नहीं हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो नए सिरे से एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करेंगे, ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज हिम्मत और साहस के साथ अपने उन नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में दुख के जिसकी वजह से इस रिश्ते में दुख के बादल छाए हुए हैं उन सब को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक चैप्टर नया अध्याय शुरू करेंगे, तो ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, नया अंजाम लेगा, नए फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वही एक्शन आपके पर्सन लेने वाले हैं, वो एक नए सिरे से एक बिगनिंग एक शुरुआत करने वाले हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, वो एक्शन चाहते हैं कि नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग हो एक शुरुआत हो। जो अधर में ये रिश्ता लटका हुआ है, करोस में रिश्ता लटका हुआ है, तो नए सिरे से अगर वो बिगनिंग करेंगे एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा और जो रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है बोझ बन चुका है वही रिश्ता उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा और इस रिश्ते में फिर से खुशियां आएंगी, फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से जो बर्डन है जो बोझ है वो ख़त्म होगा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो डाइवोर्स चाहते हैं और अपने पैसे प्रॉपर्टी पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पेंटिकल्स का भी कार्ड है और ये डाइवोर्स का भी कार्ड हो सकता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ केसेस में वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो गिले शिकवे हैं जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी, और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से बाहर होते हुए इस रिश्ते से डाइवोर्स लेते हुए उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और अपना पैसे प्रॉपर्टी जॉब बिजनेस एडवेंचर के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे और नए सिरे से वो लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ये भी हो सकता है। अब यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि वो इस रिश्ते में इस रिश्ते को आगे जाकर निभाएंगे। एक बिगनिंग एक शुरुआत वो चाहते हैं लेकिन कोई इस तरह का कोई भी इकरार वो नहीं करना चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ा सके, लाइफ पार्टनर बन सके, लाइफ टाइम ये रिश्ता चल सके। तो यूनिवर्स यही आपको मैसेज देना चाहते हैं, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए और इस कंफ्यूजन से इस परेशानी से इस दुविधा से बाहर निकलिए। रातों की नींद हराम मत कीजिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आइए और मैं जो 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 भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है अपने गुस्से को अपने एंगर को छोड़ दीजिए और जो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलिए, स्टेबिलिटी लाइए उसमें। और घर के समय में घर गृहस्थी के काम कीजिए, बाहर के समय में बाहर वाले कामों को निपटाइए और ना तो बहुत ज़्यादा चिपक बातें कीजिए और ना ही चीज़ों को बिल्कुल ही बंद कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते में इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और
और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उन्हें अपने तक सीमित रखिए। अगर आप धीरे धीरे करके प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे, एक पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। अभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको अभी वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके लिए सही समय सही वक्त नहीं है। आप बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और आगे बढ़ने का वेट और इंतजार कीजिए। रिश्ता कितना आगे जाता है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे बढ़ाया जा सकता है, अभी आगे बढ़ सकता है। अभी के लिए रिश्ता स्टेबल, अभी के लिए इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, और लेकिन अभी आपको बिगनिंग करनी है, शुरुआत करनी है। इस जो है, जो आप एनजाइटी में है, एनीमिया की आपको प्रॉब्लम है, सोमेनिया की आपको प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलिए और इसका हल सोल्यूशन निकालिए और रिश्ते को कामयाब होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। इसमें दो से किसी के लिए 3 दिन का समय लगता है, लग सकता है बातें आगे बढ़ने में, किसी के लिए 3 सप्ताह का लग सकता है, और किसी किसी के लिए 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, कन्फ्यूज़न से, परेशानी से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से आपके रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।